ये शॉर्ट बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं अपना जो जर्नी है वो शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने मिनोक्स डील और फिनिक्स का यूज़ किया है वो मैंने कुछ दिन 1.5 मंथ के अप्रोक्स मैंने उसको क्यूट कर दिया। तो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कि क्यूट करने की वजह से मुझे क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इस वीडियो में मैं यही शेयर करूँगा। तो जैसे कि आप पहले से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं अप्रोक्स 1.5 ईयर से मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ 5%, और फिनिक्स रिसेंटली मैंने 3-4 मंथ से शुरू किया 1 mg, और जो मिनोक्सिडिल है वो मैं ट्वाइस डेली 2 बार यूज़ करता हूँ। पहले मैंने बियर पे इसको यूज़ किया था, तो बियर पे अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने हेयर पे भी इसको यूज़ करना किया, जो इसका वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा खासा ही रिजल्ट आया। तो आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं पहले मेरा क्या था और अभी क्या हुआ। तो टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि मैं इतना टाइम से मिनोक्सिडिल और फिनिक्स यूज़ कर रहा था, तो रिसेंटली जो मेरा मैरिज हुआ है उसका वजह से मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान पे दे पा रहा था। तो अप्रोक्स 1.5 मंथ से मैं मिनोक्सिडिल या फिनिक्स का यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो जिसका वजह से मुझे अप्रोक्स 7 से 8 दिन में ही पता चल गया कि इसका जो साइड इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं, या इसको यूज़ नहीं कर रहा था तो उसका इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वो दिखाना शुरू कर दिया था। जो मेरा हेयर फॉल था वो काफ़ी बढ़ गया था, जैसे कि मैं सुबह उठता था तो मेरा जो पिलो है उसमें मुझे दिखता था। पहले भी हेयर फॉल होता था, 2 से 3 बाल या मैक्सिमम 5 बाल ही गिरते थे, लेकिन जब से मिनोक्सिडिल और फिनिक्स छोड़ दिया था मैंने, 7-8 दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि 15 से 20 बाल तक हेयर फॉल होना शुरू हो गया था। और शैम्पू करते समय तो मत ही बोलिए, हाथों में पहले से भी ज़्यादा हेयर आना शुरू हो गया था, मतलब हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, जिसके वजह से मैंने फिर से मिनोक्सिडिल और फिनिक्स यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। तो कोशिश कर रहा था कि कम से कम एक बार तो मैं लगा लूँ, और वहाँ जो मेरा जो मैरिज था वो आंध्र प्रदेश में था, और वहाँ का गर्मी तो आप लोगों को पता ही है, साउथ में कितना गर्मी होता है। तो वो मैं लगा भी रहा था तो पसीना से ही बाहर आ जा रहा था, या मुझे लगाने के तुरंत बाद ही मुझे बाहर जाना पड़ रहा था, तो वो वेस्ट हो जा रहा था, तो मेरा इतना काम नहीं कर रहा था, और फिनिक्स भी मैं ले नहीं पा रहा था, तो मेरा जो हेयर फॉल था वो बढ़ते जा रहा था। और देख सकते हैं मेरा अभी का रिजल्ट, और पहले का वीडियो भी मैं लिंक कर दूंगा, पहले का और अभी का कंपैरिजन देख सकते हैं। मेरा जो हेयर है शायद इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जो बीच बीच का हेयर था वो काफ़ी हेयर फॉल हो चुका है मेरा, पहले जैसा नहीं रहा है, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, देखिए। तो इससे ये पता चल गया मुझे कि जो फिनिक्स या मिनोक्सिडिल है, मैं शायद छोड़ने से मेरा हेयर जो पहले का कंडीशन था वो मैं 1 से 2 महीने में ही शायद उस जैसा हेयर मेरा फिर से हो जाएगा। और मेरा जो 1-1.5 साल का जो मैंने हेयर ग्रो किया वो सब शायद वेस्ट हो जाएगा। तो जो भी लोग फिनिक्स या मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ करने से पहले सोच लीजिएगा कि शायद आपको ये लाइफ टाइम ही यूज़ करना पड़े, क्योंकि इसके बाद आप जब छोड़ देंगे तो आपको जो है हेयर फॉल शायद बढ़ जाएगा। और मैंने कहीं रिसर्च करके भी देखा था, तो इसको छोड़ने से जो है आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आप 2 टाइम्स लगाते हैं तो सिंगल टाइम लगाना होगा, कभी कभी फिर से 2 बार लगा के धीरे धीरे जो क्वांटिटी है उसको कम करके धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि मैंने तुरंत ही छोड़ दिया था जिसके वजह से, और मेरा डाइट भी बहुत ख़राब हो चुका था जिसके वजह से शायद हो सकता है मेरा हेयर फॉल और बढ़ गया। और बियर्ड में जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करता, बियर्ड में मैंने ऐसे भी लगाना छोड़ दिया था, जो हाथों में लग जाता था इसमें लगाने के बाद वही लगा लेता था या क्यूट करता था, बियर्ड में इसका इतना ये नहीं है, आप छोड़ सकते हैं बियर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हेयर है उसमें शायद आपको छोड़ना भी है, तो उसी तरह से मैंने जैसे आगे में भी बताया कि आपको धीरे धीरे ही शायद छोड़ना पड़ेगा, एक बार में छोड़ने से, तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये हेयर फॉल पक्का आपका हो जाएगा। तो आप भी अगर मिनोक्स या फिनिक्स या मिनोक्सिडिल का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इसको शायद बहुत टाइम के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में यही है, थैंक यू सो मच।